प्रेस वार्ता क्या उद्देश्य? आज का प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि 2 जून से 12 जून के कालावधि में गोवा में 7वां अखिल भारतीय अधिवेशन का आयोजन हो रहा है हिंदू राष्ट्र की स्थापना के उद्देश्य से। इस अधिवेशन में पूरे भारत के लगभग 250 से भी अधिक हिंदू संगठनों के 650 से भी ज़्यादा प्रतिनिधि वहां पर उपस्थित रहेंगे। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका से भी हिंदुत्वनिष्ठ वहाँ पर आएंगे और हिंदू धर्म पर होने वाले विभिन्न प्रकार के आघात, हिंदू सुरक्षा का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा, इसके साथ साथ कश्मीरी हिंदुओं का मुद्दा, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का मुद्दा, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो हिंदू धर्म के संदर्भ में जो समस्याओं के मुद्दे हैं उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। और संगठित रूप से एक राष्ट्रीय स्तर पर यह मंच है तो संगठित रूप से पूरे देश भर के हिंदू संगठन मिलकर एक निर्णय लिएंगे कि आने वाले साल भर में हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए हमें कौन सा कार्य करना है, कौन सी संकल्पनाओं को साकार करना है। वर्तमान सरकार से आप कहाँ तक सहमत हैं, जबकि वो हिंदू सरकार का एक बात आई थी, हिंदुत्व की बात करती है सरकार और बहुत सारे हिंदुओं के मुद्दे लेकर सरकार सत्ता में आई थी, और अब क्या उसकी हालत है, आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए 2014 में हिंदुओं ने एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन यहाँ पर किया अपनी वोट की ताकत दिखाते हुए, और सभी को यही मन में उद्देश्य था कि हिंदुओं की समस्याएं सारी समाधान हो जाए। और उसके बाद जो इस शासन ने विकास के मुद्दे को लेकर के विभिन्न प्रकार के राष्ट्र में जो योजनाएं शुरू की हैं ये तो स्तुत्य कार्य है, परंतु हिंदुओं के संदर्भ में जो विभिन्न प्रकार की मांगे हैं हमारी, जैसे कश्मीरी हिंदुओं का विस्थापित जो कश्मीरी हिंदू है उनका पुनर्वसन हो जाए, राम मंदिर का पुनर्निर्माण हो जाए, धारा 370 का उसको कैंसिल किया जाए, गौ हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया जाए, इन प्रकार की मांगों पर अभी कोई भी ऐसा ठोस उपाय योजना नहीं हुई है। यह हिंदू समाज के दृष्टिकोण से एक दुर्दैवी बात है। आप अपनी मांग में राम मंदिर का मुद्दा रखते हैं? बिल्कुल, राम मंदिर का मुद्दा तो हम रखते हैं, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, राम मंदिर का मुद्दा हमारे धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो निश्चित तौर पर यह मुद्दा हम रखते हैं। 3-4 दिन पहले एक पार्टी निकल कर आई, सत्य शिखर पार्टी, इसने ये कहा है कि वो डायमंड का मंदिर बनाने जा रहे हैं अयोध्या में, उस पर आपका क्या कहना है? कौन सी पार्टी? सत्य शिखर पार्टी। नहीं, जो कोई आता है घोषणा करता है उस प्रकार से वो करके दिखाएं, हमें इसके बारे में कुछ कहना नहीं। अगर कोई मंदिर बनाना ही चाहता है तो अच्छी बात है, बनाया जाए। आप डॉक्टर जाकिर नायक ने अपने भाषण में कई बार हिंदुओं को उंगली उठाई, कई तरह की बात की है, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि जहाँ पर वो अपना वक्तव्य देते हैं वहाँ पर काफ़ी लोग मुसलमान हो जाते हैं, इसका क्या कारण है, क्या क्या है? नहीं, इसका मुख्य कारण ये है कि कुछ समय पहले जब उनके ऊपर जो है जाने पाबंदी लगाई जाती है, पाबंदी लगाई है, और वहाँ पर उनके जो भाषणों से प्रेरित होकर लोग आतंकवाद में जाते हैं, खुद आतंकवादियों ने पकड़े जाने के बाद कहा था, और उसके बाद हिंदू जन जागृति समिति ने उनकी तमाम बातों को सरकार के सामने रखी, इसकी खोज करके, और उन पर इतना बड़ा दबाव हो चुका उनको कि भारत छोड़कर उन्हें जाना पड़ा, और आज उनके इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर बैन है, पीस टीवी जो उनका चलता था उसके ऊपर भी बैन है, और उनका पासपोर्ट भी रद्द हो चुका है, आज वो भारत में नहीं है। ये हिंदू संगठनों की एक सबसे बड़ी जीत है, सबसे बड़ा विजय है। आपने अभी कहा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और भारत जैसे तमाम धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं, अगर आपने ये मांग की है तो कल वो मुस्लिम धर्म ये मांग करे, या सिख धर्म ये मांग करे, या और कोई धर्म अगर ये मांग करे, अगर ऐसे इसी तरह लोग टुकड़ों में बढ़ते रहेंगे तो देश का क्या होगा, देश कहाँ पर जाएगा? नहीं, ये मुद्दा नहीं है। आपने अगर देखा होगा कि अन्य राष्ट्र, इन्होंने हमेशा अपने बहुसंख्यक समाज के अनुसार अपने राष्ट्र का रिपब्लिक घोषित किया है। पाकिस्तान को देखिए, वहाँ पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है तो उन्होंने इस्लामिक राष्ट्र को घोषित किया है। बांग्लादेश को देखिए, उन्होंने इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ मलेशिया में देखिए, यहाँ पर ये देश बांटने की बात हो गई, लोग टुकड़ों में बढ़ जाएंगे, फिर और जो है लोगों में नफरतें पैदा होंगे, जो भारत की जो मानवता है जो उससे कहीं ना कहीं नुकसान हो सके। बिल्कुल नहीं, ये हमारा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। हिंदू राष्ट्र तो धर्मनिष्ठ, हिंदुत्वनिष्ठ और राष्ट्रभक्त लोगों का, सात्विक लोगों का राष्ट्र रहेगा। और आप देखिए कि कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर अन्य समुदाय मेजॉरिटी में है, लेकिन फिर भी वहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी करके जी रहे हैं, उसको स्वीकार कर, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार कर जी रहे हैं। और हमने कहीं भी ऐसे बात नहीं कि हिंदू राष्ट्र में अन्य समुदायों के प्रति कोई द्वेष भावना निर्माण हो या ना हो, इसके बारे में हमारा कोई वक्तव्य नहीं है। तो हिंदू राष्ट्र में
जिस प्रकार से अन्य देशों में हिंदू माइनॉरिटी में रहते हैं, तो अन्य समुदाय को हिंदू राष्ट्र में रहने के लिए कोई असुविधा तो नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। क्योंकि प्राचीन अति प्राचीन काल से देश हिंदू राष्ट्र सबको अधिकार दिया है, तो आपकी इसको आवश्यकता क्यों पड़ रही है बनाने की हिंदू राष्ट्र? क्या आप संविधान से सहमत नहीं है? संविधान के ऊपर आप लांछन लगाएंगे या उसमें जो 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 अधिकार दिया गया उससे आप जो है कहाँ तक सही समझते हैं? नहीं, हम किसी चीज़ पर असंतुष्ट है इसलिए ये मांग नहीं कर रहे हैं। वर्तमान जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पिछले 71 सालों में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था ने हिंदू समाज की कोई भी मांग पूरी नहीं की हुई है। संविधान की बात आप कर रहे थे, संविधान में इस बहुसंख्यक हिंदू समाज के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो ये कोई कम बात नहीं है हिंदू समाज के लिए असुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। तो हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से अन्य मजहबों को सुरक्षा दी जाती है, उसी प्रकार से जो बहुसंख्यक समाज है हिंदू समाज है उसको बाकायदा संवैधानिक सुरक्षा दी जाए, और ये जो अति प्राचीन काल से जो हिंदू राष्ट्र रह चुका है उसको पुनः हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। क्या सरकार से आपने इसकी मांग की? सरकार ने आपकी क्या कोई बात सुनी है? सरकार से हमारी लगातार मांगे हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि ये सरकार की राजनीति पर निर्भर यह मुद्दा नहीं है। हिंदू राष्ट्र की स्थापना का जो मुद्दा है ये हिंदुओं के प्रभावी संगठन से के ऊपर निर्भर मुद्दा है। इसलिए ये अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन हम क्यों मना रहे हैं कि हिंदू संगठन का जो पॉइंट है, हिंदुओं का संगठन और मजबूत हो, क्योंकि संगठन के बल से ही ये हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो सकती है। कैसे आप लोगों को जोड़ेंगे जबकि हर आदमी का अलग अलग मतभेद है? अभी आपने जैसे यहाँ पर देखा, तमाम लोगों ने अपने मत रखे, तमाम हिंदू आपके जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपस में बटे हुए हैं, लोग अपना अपना संगठन बना के राम मंदिर बनाने की मांग कर रहे हैं, तमाम पार्टियां राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, तो आप कैसे सबको संगठित करेंगे और कैसे अपना ये बनाएंगे? देखिए, वर्तमान जो देश की स्थिति है वो धर्म के आधार पर स्थिति नहीं है, इसलिए सब कुछ बटा हुआ है। ये जो बटा हुआ है या जो आरक्षण के मुद्दे आ रहे हैं, अलग अलग जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने एक अनटचेबल्स करके पुस्तक लिखा था, उसमें लिखा था कि 9 से 10 ही जातियाँ इस देश में होनी चाहिए धर्मशास्त्र के अनुसार, लेकिन आज के दिनों में 3500 से भी अधिक जातियाँ पर है। तो ये किसने बनाई? ये तो आरक्षण का मुद्दा तो 10 साल के लिए सीमित था, ये तो राजनीतिक लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इस मुद्दे को बढ़ाया, और उसके आधार पर, जातिगत समीकरण के आधार पर आज वोट की राजनीति जो चल रही है, एक इसका मुख्य कारण यही है कि इस देश की जो व्यवस्था है वो धर्म के आधार पर नहीं है। हम जो हिंदू राष्ट्र की स्थापना और इस सपना को साकार करना चाहते हैं, ये धर्म के आधार पर व्यवस्था रहेगी। यही मुद्दा लेकर भारतीय जनता पार्टी जब शुरुआत में आई थी वो इसीलिए आई थी कि हिंदुओं की बात करेगी, राम मंदिर की बात करेगी, लेकिन अब वो जो है पूरी तरह सत्ता में है और वो पूरे मुद्दे तरह लगातार जो है सिरे से नकार दिए गए हैं। क्या आपका भी यही आगे होगा कि जब आपका संगठन बढ़ जाएगा आप भी राजनीति में फान जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या आपका भी यही उद्देश्य है? नहीं, मूलतः शुरुआत में ही हमने बताया है कि हमारा कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, हमारा ये संगठन ही अराजनीतिक। उन्होंने भी यही कहा था शुरुआत में, उनका भी कोई ऐसा मोटिव नहीं था, लेकिन अब वो जो है पूरी तरह उनका संगठन बन गया, कई जगह वो सत्ता में है, अब वो जो है राम मंदिर की बात नहीं करते हैं, हिंदुओं की बात नहीं करते हैं। नहीं, उनका तो राजनीति तो अलग तरीके से चलती है, पॉलिटिक्स अलग तरीके से चलता है और हिंदू संगठनों का कार्य अलग तरीके से चलता है। हमारा एजेंडा तो हिंदू राष्ट्र का एजेंडा ही है, और हम न्याय व्यवस्था का भी सम्मान रखते हैं, वर्तमान जो संवैधानिक स्थिति है उसका वो व्यवस्था है उसका भी सम्मान रखते हैं, और इसी मार्ग से हमारा कार्य चल रहा है। संवैधानिक मार्ग से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। चलिए ठीक। आज यूपी प्रेस क्लब में हिंदू जागरण समिति ने प्रेस वार्ता की, जिसमें नीलेश जी ने बताया कि वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं सरकार से, तमाम हिंदू संगठनों को जोड़कर वो एक बड़ा अधिवेशन करने जा रहे हैं। कैमरामैन शाहिद रिजवी के साथ जाहिद अली की रिपोर्ट, प्रेसमैन न्यूज़, लखनऊ।